हाँ फ्रेंड, शोभा की क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके हूँ ब्लाउज का बहुत ही प्यारा पैटर्न। शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आ सके। आइए फिर स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ ब्लाउज का बैक नेक, जो हम सेम कलर में बनाने वाले हैं। सबसे पहले इसकी कटिंग करेंगे। चौड़ाई 3 इंच आएगी इसकी और लंबाई 10 इंच। 10x3 पे हमने एक ब्लॉक रेडी कर दिया इस तरीके से, और इसमें हम लोगों को ये वी शेप इस तरीके से हम लोगों को कट करना है। फ्रेंड्स, कटिंग तो इसकी करनी है, लेकिन जो अब हमें बो लगाना है नीचे, उसके लिए हम लोग ये कपड़ा लेंगे। कपड़ा जो बो के लिए लेना है, उसके हम लोगों को ये लेनी है 5 इंच 5x7 का एक कपड़ा डबल ले लेंगे। इसको भी हम लोग चारों तरफ से सिलाई लगा के रेडी कर देंगे। अब इसके अंदर जो बेल्ट लगानी है, उस बेल्ट के लिए हम लोग कपड़ा लेना है हमें। उसकी लंबाई चाहिए हमें 10 इंच और उसकी चौड़ाई चाहिए 4 इंच। इसको इस तरीके से डबल करके हम लोग यहाँ से हम लोग टक लगा देंगे इस तरीके से, थोड़ा तिरछा करते हुए दोनों बेल्ट भी रेडी कर देंगे। अभी बी गले की कटिंग रेडी है। सबसे पहले हम लोग इसको फ्यूज पेपर और अस्तर की पट्टी लगाकर अलग से रेडी करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसको हमने पट्टी लगा कर रेडी कर दिया। अब ये वी नेक हमारे पास रेडी है, और ये जो बो हमने बनाए थे उसके लिए दो बेल्ट बनाई है, जिनको सीधी करके हम लोग इस तरीके से अटैच कर देंगे। बो के लिए जो कपड़ा है उसको हमने पीछे से कट लगा के सीधा कर दिया। अब सबसे पहले इस बो को रेडी करेंगे। बिल्कुल इसका सेंटर पॉइंट ले लिया हमने। सेंटर पॉइंट लेते हुए इस तरीके से हम लोग इसमें ये टक लगा के इसको इस तरीके से हम लोग खींच लेंगे। ऊपर टक लगा देंगे और इसके ऊपर हम लोग एक मोती लगा देंगे, और इस बेल्ट को इसके नीचे हम लोग इस तरीके से अटैच कर देंगे। सबसे पहले इन तीनों को हम लोग आपस में अटैच करके फिर इसको इस ब्लाउज के साथ अटैच कर देंगे। ये यहाँ जो पॉइंट था वहाँ हमने इस पे बटन लगा दिया। अगर हम चाहें तो इसके किनारे किनारे हम लोग लेस भी लगा। फ्रेंड्स, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई समझ में नहीं है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए, स्टेप बाय स्टेप सिलाई सीखते रहिए। धन्यवाद।